हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 18th जनवरी 2020। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इंडिया में हैं और आपके पास ड्रोन है तो कैसे उसको रजिस्टर करना है, क्योंकि इंडिया में ड्रोन से रिलेटेड लॉज आ चुके हैं जिसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था। और ये ड्रोन रिलेटेड लॉज इसलिए इम्प्लीमेंट हुए हैं क्योंकि अभी रिसेंट काफ़ी ड्रोन अटैक्स हुए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस 31st जनवरी। तो मेरे साथ अभी के अभी ड्रोन रजिस्टर करें क्योंकि आपके पास सिर्फ 12 दिन हैं। और हाँ, ड्रोन रजिस्ट्रेशन और ड्रोन उड़ाने की परमिशन दोनों अलग अलग चीज़ हैं, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपने ड्रोन रजिस्टर कर लिया है तो उसको उड़ाने की परमिशन मिल जाए। तो ये लॉ इसलिए इम्प्लीमेंट हुआ है ताकि सरकार इंडिया के ड्रोन पायलट्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो मैं आपको बता दूँ कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले क्या क्या अपने पास रखना है। आपको ड्रोन कंट्रोलर, मेजरमेंट टेप, और आपको सॉफ्ट कॉपी रखनी है 3 चीज की, एड्रेस प्रूफ, आधार या फिर आपका पासपोर्ट, और आपकी हायर क्वालिफिकेशन डिग्री। इसके अलावा आपको 3 फोटोज चाहिए आपकी ड्रोन की, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और बैक में जहां पर आपका सीरियल नंबर लिखा है उसको फोकस करके। इसके साथ एक ट्विस्ट है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू फोटो लेने के टाइम पे आपको मेजरमेंट टेप रखना है जस्ट टू प्रूव योर डायमेंशन ऑफ योर ड्रोन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस फटाफट। तो जिस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है वो है digitalsky.dgca.gov.in। जब आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो पहला पेज आएगा, डू यू ओन अ ड्रोन इन इंडिया। देन आपको क्लिक करना है गो टू ड्रोन एनलिस्टमेंट साइट। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है पूरा, फिर आपको क्लिक करना है एनलिस्ट माय ड्रोन। फिर जो अगला पेज आएगा उसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह। क्लिक करिए जनरेट ओटीपी। आपने जो मोबाइल नंबर जो डाला है उसी पे ही आपको ओटीपी मिलेगा। वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है, एनरोल पे क्लिक करना है। फिर आपको थैंक यू का एक मैसेज आ जाएगा। फिर आपकी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा, आपको वहां जाके क्लिक करना है। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा डिजिटल स्काई का, जिसमें लिखा है आई एम इंडिविजुअल ओनर। उस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स वहां पर इंसर्ट करनी है। यहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप आधार अपलोड करोगे या पासपोर्ट। फिर उसकी डिटेल्स डालनी है और फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है। अपना करंट एड्रेस इंसर्ट करिए, फिर आपको करंट एड्रेस का प्रूफ अपलोड करना है। उसके बाद आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का प्रूफ अपलोड करना है। देन आपको इनपुट करना है डिटेल ऑफ अल्टरनेट कॉन्टैक्ट पर्सन एंड देन सबमिट। उसके बाद आपको OAN नंबर सामने दिख जाएगा स्क्रीन पे। OAN नंबर होता है ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर। इसका आपको एक मेल भी आएगा। इसके बाद आपको वापस से ही उसी वेबसाइट पे जाना है और साइन इन करना है अपने ईमेल पासवर्ड से। एक बटन आ रहा होगा एनलिस्ट न्यू ड्रोन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी ड्रोन की डिटेल्स डालनी है। तो पहली फील्ड है नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर। मेरे पास है DJI Mavic Air, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर होगा DJI, मॉडल नेम होगा Mavic Air, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर मेरे ड्रोन का है 2019। फिर एक फील्ड आएगी सीरियल नंबर प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, जो कि आपके ड्रोन के पीछे होगा, नहीं तो आपको बैटरी निकाल के वो सीरियल नंबर मिल जाएगा। सेम ही चीज़ आपको एंटर करनी है दूसरे फील्ड में, सीरियल नंबर ऑफ फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल। उसके बाद आएगा सीरियल नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ये सीरियल नंबर होगा जो आपके ड्रोन के कंट्रोलर के पीछे है। नेक्स्ट फील्ड है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। मेरे केस में मेरे ड्रोन का वेट है 400 ग्राम, तो मैं यहाँ पर 0.4 एंटर करूँगी। आप अपने ड्रोन का वेट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। टाइप ऑफ ड्रोन में माइक्रो, ऑनबोर्ड कंट्रोलर टाइप में मैनुअल, विंग टाइप फिक्स्ड विंग, मंथ एंड ईयर ऑफ परचेज होगा जब भी आपने परचेज किया हो।
अब आपको अपलोड करनी है वही 3 फोटो जो आपने ड्रोन की क्लिक करी है। हर एक फाइल साइज आपका 300 KB के अंदर होना चाहिए। गेट डेन पे आपको क्लिक करना है। डेन DAN मतलब है ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये क्लिक करने के बाद आपको DAN नंबर आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। हालांकि वो दिखा रहा है कि वो 48 आवर्स में आएगा, लेकिन अगर आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे और क्लिक करोगे माई ड्रोन तो आपको अपने ड्रोन का DAN नंबर वहीं पे मिल जाएगा। तो ये था सारा प्रोसेस आपके ड्रोन के रजिस्ट्रेशन का। तो ड्रोन का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो प्लीज जाके रजिस्टर करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। और ये चीज जरूर ध्यान रखना कि 31 जनवरी के बाद ड्रोन अगर आपका ड्रोन रजिस्टर नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। अभी तक सब लोग एयरपोर्ट में ड्रोन इजिली ले जा सकते थे, बट अभी लॉ के बाद मेरे ख्याल से DAN नंबर जरूर चेक होगा। तो प्लीज रजिस्टर करिए। थैंक यू।